अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बना रही हूँ काले चने। ये मैंने लिया है मीडियम प्याज, मीडियम प्याज इसमें मैंने हल्का सा लाइट सा ब्राउन किया, बहुत कम ब्राउन किया है। और आज मैं बना रही हूँ काले चने, जो कि मैं डालूँगी काले चने में। बहुत डिफरेंट तरीके से काले चने बनाती हूँ। मैं बहुत आसान तरीके से चने की रेसिपी है, आप फॉलो करें। ये मैंने एक बाउल बना के अदरक लहसुन का रख लेती हूँ। ये बहुत इजी होता है खाना बनाना इससे। ये 1 टेबलस्पून गार्लिक और 1 टेबलस्पून जिंजर। मैं इन चनों को मैं अच्छा सा फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद मैं सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि जो घर के मसाले होते हैं, वो डालती हूँ। इसको अच्छा सा भून लेती हूँ। फिर उसके बाद इसको प्रेशर कुकर लगाती हूँ। कुछ लोग चनों को बॉईल करके मसाले में भूनते हैं, और मैं पहले मैं इसको मसाले में भूनती हूँ, फिर इसको मैं प्रेशर लगाती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं। ये वाली रेसिपी बहुत ईजी है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। वैसे मैं फ्राई हो रहे हैं, अभी मैं इसमें बाकी इंग्रीडियंट्स डालूंगी। आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कौन कौन से मसाले ऐड करती हूँ घर के। अदरक लहसुन में मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दो टमाटर इनफ होंगे, के बहुत ज्यादा टमाटर नहीं डालने इसमें। देखें आप, टमाटरों को बस मैंने बड़ा बड़ा काट दिया है ताकि ये चनों को अच्छा सा लगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मसाले। मसाले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धोड़ा मिर्च, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है 1 टेबलस्पून, और ये 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और ये 1 टेबलस्पून जीरा। आप ये ले सकते हैं पिसा हुआ भी, तो मैं पिसा हुआ भी डाल सकते हैं साबुन। इसमें मैंने इसको अच्छा सा भून लिया, ये अच्छा सा भून जाएगा। इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी पानी। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं चनों के साथ। और ये मैं साथ में ही चावल बॉईल कर रही हूँ, और तकरीबन थोड़े से जाएंगे चावल बॉईल, तो सबको पसंद आते ही होंगे। और मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक पानी, ठीक है। और इसको मैं अच्छा सा जब ये भुन जाएगा, फिर मैं इसको प्रेशर पे लगाऊंगी। जब ये ऑयल अलग हो जाएगा, टमाटर सारे इसमें गल जाएंगे, ठीक है। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने प्याज को काटा है, काट के उसको मैंने लाइट सा ब्राउन किया है। उसमें मैंने चने रात को मैंने भिगो के रख दिए थे। काले चने होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। रात को इन चनों को मैंने भिगो के रख दिया था। सुबह मैंने इसको अच्छी तरह से पानी से धोया है। धोने के बाद मैंने इसको प्याज में फ्राई किया है, फिर मैंने अदरक लहसुन में फ्राई किया है, फिर मैंने 2 टमाटर डाले हैं, फिर मैं इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। मसाले मैंने शेयर कर दिए हैं। और अब मैं मिलती हूँ फाइनल लुक में, लुक जो होगी ना। पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको प्रेशर कुकर पे लगा रही हूँ, और 15 मिनट के बाद में ये ऑयल छोड़ दिया है, सारा मसाला अच्छा सा भून गया है। देख सकते हैं आप लोग, ऑयल जो है अच्छी तरह से मसाला मैंने भून लिया है। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और ऑयल साइडों पर आ गया है, ठीक है। तो मैंने अच्छा सा भून लिया है। अब मैं इसको प्रेशर कुकर लगाऊंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ इसकी फाइनल लुक के साथ।
मसाले का एक चम्मच भर के इसमें डाल दिया, एंड में डालना होता है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, घर का बना हुआ गर्म मसाला डालना चाहिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको मैंने मिक्स कर दिया इस चलूंगे के अंदर, और ऊपर से मैंने धनिया के बगैर और ग्रीन मिर्च के बगैर बहुत अंडी का मजा नहीं लिया, ग्रीन मिर्च और धनिया में डाल दिया। सबसे इजी रेसिपी, जब आपको घर में बहुत सारे काम हो तो आप ये इजी रेसिपी बना सकते हैं, बहुत मज़े की है। और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाना मैं आपसे शेयर करूँगी, उसको किस तरह से आप महीना दो महीने यूज़ कर सकते हैं, उसकी बोतल बनाना मैं आपको बताऊँगी, फ्रेश अपने घर में बनाना, ठीक है। अभी मैंने आज बनाऊँगी रमज़ान के लिए, तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। देखें चने सो डिलीशियस, अब मैं आपको सर्व जब करूंगी फिर बाउल में डालने हैं, अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, देख लें बहुत मज़े के बने हैं, डिलीशियस। फिर मैं ज़रा सा ही चने का ये देखिए फाइनल लुक, दिस इज द फाइनल लुक, देखिए चने तो बहुत अच्छे गले हुए, कमाल के गले हुए। ओके, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं मैं आपके साथ कौन कौन सी रेसिपी शेयर करूँ। और कल हमारे घर बारबेक्यू होने वाला है, मैं बारबेक्यू का चिकन और सीख कबाब की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।